हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं जसोल ई मित्र चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे मंत्रा आयरस स्कैनर इंस्टॉलेशन के बारे में। तो मंत्रा आयरस का इंस्टॉलेशन करना बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हमारे को मंत्रा का जो आयरस डिवाइस है हमारी, उसका ड्राइवर डाउनलोड करना होता है। तो ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है मंत्रा आयरस ड्राइवर। आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके सामने download.mantratechapp.com ये वेबसाइट आ जाएगी। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से मंत्रा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपके सामने कैप्चर कोड आएंगे। वो कैप्चर कोड डाल देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर मेन चीज आपको ध्यान देने होते हैं, जो अगर आपके पास में मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आप यहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, अगर आपके पास में आयरिस डिवाइस है तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि जो मंत्रा आयरस आप आपके पास में है उसके ड्राइवर आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो लेटेस्ट ड्राइवर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ये ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, दूसरा है वो यहाँ से आरडी सर्विस को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो ड्राइवर है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने डाउनलोड करके रखा है तो मैं यहाँ पर पॉज कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करके आरडी का सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल कैसे करना है और कैसे हमारे को गूगल क्रोम ब्राउजर की सेटिंग करनी है ताकि हमारी जो मंत्रा आयरस है वो सभी के अंदर काम कर जाए। तो हमने जो मंत्रा का ड्राइवर डाउनलोड करके रखा है उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मंत्रा के ड्राइवर है ये डाउनलोड किए हुए हैं। अब अपन यहाँ पर इंस्टॉल कैसे करेंगे, जो हमारा सबसे पहले ये ड्राइवर है जो यूएसबी का ड्राइवर है, जो आरडी सर्विस का सॉफ्टवेयर नहीं, जो ड्राइवर है उसको अपन उस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और रन एस एडमिनिस्टर पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से पॉपअप आ रहा है तो हमारे सिस्टम के अंदर मंत्रा आयरस का सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको अपन अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पहले से ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो सीधा इस तरीके से इंस्टॉल का ही ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर ड्राइवर पुराने हो गए हैं तो आप इस तरीके से इंस्टॉल करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ड्राइवर को रिमूव करेंगे तो हो सकता है कोई दूसरा ड्राइवर आप रिमूव कर दो तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ से जो मंत्रा का सॉफ्टवेयर पहले होगा वही रिमूव होगा, दूसरा कोई ड्राइवर रिमूव नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इंस्टॉल करें और पूरा प्रोसेस इस वीडियो को देख करके समझे और फॉलो करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमारा जो ड्राइवर है ये इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर अपन फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद में आपको आरडी का सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना है। तो आरडी के सॉफ्टवेयर को आप कैसे इंस्टॉल करोगे, यहाँ पर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करोगे, उसके बाद में अपन यहाँ पर कर देते हैं यस, उसके बाद में करते हैं इंस्टॉल। तो यहाँ पर हमारा ये मंत्रा का जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉल करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप इंस्टॉल करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपके सिस्टम के अंदर मंत्रा पहले से लगी हुई हो तो आप निकाल लीजिए, फिर अपन यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक, फिर इंस्टॉल। तो इस तरीके से आप इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर हमारा जो मंत्रा का आयरस आरडी का सॉफ्टवेयर है ये कम्प्लीट इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद में अपन यहाँ पर करते हैं फिनिश। उसके बाद में अपन यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर की सेटिंग कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे और यहाँ पर क्लिक करेंगे हेल्प पे और यहाँ पर अबाउट गूगल क्रोम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में अपन यहाँ पर चेक करेंगे, सबसे पहले हमारा जो गूगल क्रोम ब्राउजर है ये लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए। उसके बाद में अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे, उसके बाद में अपन यहाँ पर सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन, अगर आपका यहाँ से ऑफ है तो इसको यहाँ से इस तरीके से ऑन कर दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर सबसे जो लास्ट में सेटिंग लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे आप फ्लक्स FLAGS, यहाँ पर इस तरीके से लिख के सर्च करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल एफ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इनवैलिड, इनवैलिड लिखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ आएगा अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर अगर आपका डिसेबल है इस तरीके से तो आपको यहाँ से एनेबल करना है और रिलॉन्च कर देना है। उसके बाद में आपका
जो गूगल क्रोम ब्राउजर की सेटिंग है वो कंप्लीट तरीके से सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद में आप ये काम कर लीजिए, या तो अपना सिस्टम है वो रिस्टार्ट कर लीजिए, या फिर आपके सिस्टम के अंदर जो आयरस लगी हुई है यूएसबी, उस यूएसबी को आप हटा दीजिए और आप वापस अपने सिस्टम के अंदर यूएसबी को लगा दीजिए। जैसे ही आप लगाओगे तो आपकी डिवाइस है वो बिल्कुल आपके सर्वर से कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट होने के बाद में रेडी टू यूज हो जाएगा, और रेडी टू यूज आने के बाद में आप अपने सिस्टम के अंदर मंत्रा आयरस डिवाइस को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इंत्र साइट की लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा मंत्रा आयरस डिवाइस है बिल्कुल वर्क कर रही है, और बिल्कुल बहुत आसानी से बहुत फास्ट तरीके से हमारे आयरस डिवाइस से लॉगिन हो जाता है। तो अपन यहाँ पर ई मित्र पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आयरस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे डिवाइस के अंदर लाइट आ चुकी है, और यहाँ पर प्लीज कैप्चर आयरस लिखा हुआ आ रहा है। अब हम यहाँ पर आई को स्कैन करवा देते हैं। जैसे ही स्कैन करते ही हमारी ई मित्र की आईडी है वो ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने सिस्टम के अंदर मंत्रा आयरस डिवाइस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और आपको मंत्रा आयरस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और मंत्रा आयरस खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन का लिंक दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके मंत्रा आयरस को परचेज कर सकते हैं।